कोरोना के बाद से इंटरनेट का यूज इतना ज्यादा बढ़ गया कि हर कोई ज्ञान देता फिर रहा है कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए। क्या ये सच है या फिर एक बड़ा झूठ? ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पर आप लोग ऑनलाइन अपने घर से ही वर्क कर हर घंटे 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक कमा सकते हो। मैं आपके साथ ऐसे 5 इजी अर्निंग मेथड शेयर करने वाला हूँ, जिन्हें आप अपने घर पर बैठे इंप्लीमेंट कर पाओगे और आपको बहुत जल्दी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। मैं मैप के लाई हूँ अनदर कॉपी पेस्ट अर्निंग एप्लीकेशन, जहाँ पर सिंपल से कॉपी पेस्ट मेथड आप यूज करके काफी अच्छा इनकम अर्न कर सकते हैं। मैं इस फोन से लाखों रुपए कमाए। मैं आपको 3 ऐसे एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, जिन 3 एप्लीकेशन को आप अपने फोन में इंस्टॉल करके महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। जब कोई ये कहता है कि मैंने ब्लॉगिंग से इतने पैसे कमा लिए, यूट्यूब से मैंने कार खरीद लिया और एफिलिएट मार्केटिंग से मैंने एक आलीशान घर बना लिया, तो उसे सुनकर हमारे भोली भाली जनता ये सोचती है कि चलो हम भी ऑनलाइन पैसा कमाए, और वो सब लग जाते हैं। एक सच बात बताऊं, आज के टाइम में आपको हर घर में एक इन्फ्लुएंसर मिलेगा जो कि ये बताता फिरेगा कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए। अगर आप भी किसी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख के या फिर आर्टिकल पढ़ के ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, तो थोड़ा रुकिए, उससे पहले ये वीडियो जरूर देख ले, कसम से आपका बहुत टाइम बच जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑनलाइन फील्ड में आए हुए 11 साल से ऊपर शायद हो गया। आप चाहे तो आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि ऑनलाइन फील्ड में आखिर होता क्या है। तो मैं आज आपको ऐसे 10 सच बताने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मतलब अगर आप ऑनलाइन फील्ड में आ चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ चंदन और आप देख रहे हैं मिस्टर डिजिट। ऑनलाइन पैसा कमाना एक स्कैम है, जैसे कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन भी ऐसे फ्रॉड हो रहा है। और ये चीज बहुत लोगों को लगता है कि ऑनलाइन जितना भी पैसा कमाते हैं, आइदर कोई कुछ इलीगल काम कर रहा होगा या फिर ऐसा कुछ कर रहा होगा जिससे कि कल जाके वो पकड़ा जा सकता है। मैं मान ही कर रहा हूँ कि ऑनलाइन बहुत से ऐसे फ्रॉड है। अगर आप ऐसे जाके गूगल पे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको ऐसे कुछ साइट्स मिल जाएंगे जो कि लिटरली स्कैम करते हैं। आप जाके उनके साइट में काम करोगे या फिर कुछ ऐसे मतलब जॉब करोगे, टाइपिंग का हो गया, डाटा एंट्री का हो गया, वो आपको पेमेंट नहीं देते। तो ऑनलाइन ये स्कैम होता है, तो आप ऐसे कोई इन्फ्लुएंसर या फिर ऐसे कुछ वीडियो को देख के ना चले जाओ जैसे कि इस एप्लीकेशन से इतना मैंने लाखों कमा लिया, वो रेफर करो, वो ज्वाइन करो, आपको इतना मिल जाएगा। ये सब स्कैम ऑनलाइन होता है, तो ये सबसे बच के रहना। अगर कोई वीडियो देखते हो या फिर किसी आर्टिकल पढ़ते हो तो कितना ये ऑथेंटिक है, कितना ये ट्रू है, कितना सच है, वो एक बार जानने की कोशिश करना। और भाई उसके लिए तो गूगल और यूट्यूब है ही, आपको पता चल जाएगा कि ये स्कैम है या फिर सच है। ऑनलाइन कोई भी पैसा कमा सकता है, आपको हर कोई बोलता फिर रहा होगा यही चीज कि आप भी पैसा कमा सकते हो, आप भी कमा सकते हो, मैं जैसे कमा हूँ आप भी कमा सकते हो। हाँ, ये सच है, आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन हर कोई ऑनलाइन पैसे नहीं कमा सकता। ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए कुछ स्किल की जरूरत होता है जो कि हर किसी के पास नहीं होता। आप चाहे तो टाइम के साथ इसको डेवलप कर सकते हो, लेकिन हर कोई ऑनलाइन पैसे नहीं कमा सकता। अगर मैं किसी ऑफलाइन दुकान के मामले में अगर मुझे अच्छा आता है, जैसे ऑफलाइन मार्केटिंग करना है, वो चीज़ कोई गारंटी नहीं है कि मैं ऑनलाइन भी उतना अच्छे से कर पाऊँ। जैसे कि मैं ऑनलाइन अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन ऑफलाइन के मामले में बहुत ज़्यादा डाउन हूँ सच में। ऐसे ही हर कोई ऑनलाइन पैसे नहीं कमा सकता। मेक मनी विदाउट इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसे आप टाइटल लिखोगे या आर्टिकल लिखोगे, जीरो इन्वेस्टमेंट में ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, ये है अचूक उपाय। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जीरो इन्वेस्टमेंट में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आप कह सकते हो कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाऊंगा। भाई, एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा कमाने के लिए भी आपको ऑडियंस की ज़रूरत है, और ऑडियंस जो आप गेन करोगे उसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। आप फ्री प्लेटफॉर्म में ब्लॉग बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और टाइम इज इक्वल टू मनी, तो आपका टाइम इन्वेस्ट नहीं हुआ इसमें। तो जीरो इन्वेस्टमेंट भाई कैसे हुआ? कोई भी कहता है कि जीरो इन्वेस्टमेंट में विदाउट पैसा इन्वेस्ट करके आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो, भाई सरासर झूठ है ये।
बिल्कुल उसके बात पे मत जाना। आप अपना टाइम दे रहे हो, कीमती वक्त दे रहे हो। अगर आपको झूठ बोल दिया तो आप ऐसे गोल गोल घूमते रहोगे, ना मिलेगा पैसा ना कुछ ठनठन गोपाल, बस आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे फील्ड में मत जाइए जहां लोग आपको कह रहे हैं जीरो इन्वेस्ट में आप पैसा कमाओगे, बस आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि ऑनलाइन जितना भी पैसा कमाता है, भाई उसका तो लॉक अच्छा था, भाई उसका तो किस्मत अच्छा है, इसलिए वो पैसा कमा रहा है। कुछ टाइम पहले वो लॉकडाउन के टाइम में शायद इसक मुंडा बोल के हमारे स्टेट में एक कोई जन था जो कि उतना पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। वो बहुत गरीब थे, तो क्या हुआ कि खाने के ऊपर वीडियो बनाने लगे। मुझे उतना हिंदी नहीं आता, उनको और भी खराब हिंदी आता है, मतलब उतना और भी ज़्यादा बकवास हिंदी आता है, फिर भी लोग उनके वीडियोज देखते थे। वो जंगल में कैसे जाके वीडियो बना रहे हैं, कैसे चीज़ खा रहे हैं, तो ऐसे वीडियो उनका हिट हो गया, तो लोग कहने लगे कि भाई ये तो भाई उसका लक साथ दे दिया या फिर उसका किस्मत अच्छा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो उसके लिए भाई बहुत मेहनत करता था वो बंदा। ऐसा लक नाम का कुछ चीज़ होता ही नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे भाई, आपका लक कभी साथ नहीं देगा। आपको जो लक होता है 1% होता है, आपको 99% मेहनत करना ही होगा। तो ऐसा मत मानिए कि वो लकी था इसीलिए वो सक्सेस मिल गया, वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, मैं अनलक्की हूँ इसीलिए मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ। इसका मतलब आप में कुछ प्रॉब्लम होगा, आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो क्या चीज़ है जो वो कर पा रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मेरा पैसा नहीं आ रहा या फिर मैं ऑनलाइन पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। तो लक को छोड़िए, मेहनत करिए, आपको जो सक्सेस मिलेगा। और ये भी सुनने को मिलता है कि जो एक्सपर्ट होता है बस वही पैसा कमाता है। अगर मैं ब्लॉग, मतलब मेरा ब्लॉग है तो मैं एक्सपर्ट हूँ इसलिए मैं ब्लॉग से पैसा कमा रहा हूँ। अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मेरा मिलियंस सब्सक्राइबर हो गए या फिर मेरे जो यूट्यूब वीडियो जो सब हिट कर रहा होगा तभी मैं पैसा कमा रहा हूँ। अरे भाई, एक्सपर्ट बनने के लिए तो बिगिनिंग करना पड़ता है ना, मतलब कोई किसी चीज़ से शुरुआत करना पड़ता है ना। आप शुरुआत करोगे, धीरे धीरे अपने मिस्टेक्स को सीखोगे, तभी जाके तो आप एक्सपर्ट बनोगे। तो जब मैं कोई सीढ़ी, मतलब पहले स्टेज में हूँ दूसरे स्टेज में हूँ, तो क्या मैं थोड़ा बहुत पैसा नहीं कमाऊँगा? तो जो लोग जो मेहनत करते हैं वो पहले स्टेज से ही थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं। जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, बहुत कुछ सीख जाते हैं, वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो तभी जाके आप पैसा कमा पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उसी चीज़ में आप माहिर, मतलब आपको आता है थोड़ा बहुत, आप उसी चीज़ में अपना काम शुरू करो, आपको थोड़ा बहुत पैसा आने लगेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, आप एक्सपर्ट बन जाओगे, तो आप ज़्यादा पैसा कमाओगे। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा पैसा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कम एक्सपीरियंस है मतलब मैं पैसे ही नहीं कमाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन भी जितने इन्फ्लुएंसर होते हैं जो भी यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं कि मैंने ये सब ऐसा किया पैसा कमाया, तो लोगों को ये लगने लगता है भाई मैं भी मेहनत करूंगा रातों रात मैं अमीर हो जाऊंगा, नहीं तो दो दिन मेहनत करूंगा तीसरे दिन मैं अमीर पैसा ही पैसा होगा। ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा होता तो दुनिया में हर किसी के पास पैसा होता, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मैं बोल रहा था कि आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। अगर आपको ओवरनाइट पैसा कमाना है तो भाई ऑनलाइन या ऑफलाइन दुनिया में कोई भी फील्ड आपके लिए नहीं है। किसी फील्ड में जाओ आप ओवरनाइट अमीर नहीं बन सकते। हाँ, अगर आप चरस गांजा ये सब बेचते हो या फिर उल्टा सीधा कोई काम करते हो तो भाई आप इलीगल काम करके ओवरनाइट अमीर बन सकते हो, लेकिन कोई ऑथेंटिक वे में आप ओवरनाइट पैसे नहीं कमा सकते, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। तो अगर कोई बोल रहा है कि आप रात रात अमीर बन जाओगे, ये भीड़ देख के आप अमीर बन जाओगे, ये आर्टिकल पढ़ के आप अमीर बन जाओगे पैसा कमा लोगे, तो भाई ये सब झूठ। और लोगों का एक मिक्स कंसेप्शन है कि भाई जो 9 to 5 जॉब करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, भाई उनका तो बहुत मेहनत होता है, ऑफिस जाते हैं इतना मेहनत करते हैं, उतना टास्क होता है जो। लेकिन जो भाई ऑनलाइन काम करते हैं, जो ब्लॉगिंग करते हैं या यूट्यूब करते हैं, भाई उनका भाई कुछ नहीं, जब मर्जी तब उठो, अपने मन का गुलाम, मतलब सॉरी अपने मन का मालिक, जब चाहे उठो जब चाहे काम करो, बैठे रहो गेम खेलते रहो सोते रहो, मन मर्जी तो काम करो नहीं तो सो मूवी देखो, ऐसे ही उनका लाइफ जाता होगा। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी मैं हर दिन मैं बोलूँ तो 12 घंटे से ज़्यादा मैं काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कंप्यूटर पर काम कर लेता हूँ फिर जाके गेम खेल लेता हूँ फिर सो जाता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि मैं चाहे दिन में काम करूँ, रात में काम करूँ, जंगल में काम करूँ, रोड में काम करूँ, वो मेरे ऊपर है। लेकिन भाई काम तो करना पड़ेगा,
और ये कोई फन वाला काम नहीं है। हाँ, आप जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है वो काम करो तो आपको फन लगेगा, लेकिन वो चीज़ ईजी बिल्कुल नहीं है। हर दिन क्या काम करना पड़ता है, उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, आपके जो कंप्यूटर है उनको स्टडी करना पड़ता है, फिर अगर मैं आर्टिकल लिखता हूँ तो उनसे कैसे बेटर होगा, वीडियो बनाता हूँ कैसे वीडियो बेटर होगा, कैसे वीडियो में प्रमोट करूँ, तो भाई हर चीज़ का टेंशन रहता ही है। ऐसा नहीं कि हर वक्त मुझे मतलब जो काम है मेरा ईजी है और बहुत फन में हो जाता है, ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं वो एक ही फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, एक ही चीज़ बताते हैं, तो जो कोई उनका वीडियो देखता है तो उनको लगता है भाई यार एक ही चीज़ है जिससे पैसे कमाया जा सकता है, उसने पैसा कमाया, एक ही फील्ड है जहाँ से मैं पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन ये झूठ है। इंटरनेट में बहुत सारे फील्ड है, जैसे आप ऑफलाइन देख सकते हो बहुत तरह के बिजनेस होते हैं, बहुत तरह के तरीके होते हैं पैसे कमाने का, ऐसे ही ऑनलाइन भी बहुत सारे वेज हैं पैसा कमाने का। आप ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हो, वीडियो से पैसे कमा सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हो, ऑनलाइन चीज़ें बेचकर पैसा कमा सकते हो, ट्यूशन कर देकर पैसा कमा सकते हो, आपने जो सर्विस है उसको देकर पैसा कमा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे ऑफलाइन ऐसे ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं आप जिनके मदद से ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। अगर कोई एक ही वे बता रहा है मतलब आप उसमें रहना नहीं, आपको आपको रिसर्च करना है, आपको और भी बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे जो कि आप उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ जाए और उस चीज़ में आप पैसा कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि उसने एक बोल दिया तो मैं वही चीज़ ही करूँगा, ऐसा नहीं है, खुद थोड़ा एक्सप्लोर करो। कुछ लोग ये भी सोचते हैं अभी के टाइम, क्योंकि इंटरनेट इतना ज़्यादा फैल गया, इतना भी नहीं फैला, कुछ लोग को ये भी लगता है कि ऑनलाइन पैसे कमाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो कुछ ट्राई किए उसमें फेल हो गए, तो इसीलिए उनको ये लगता है कि भाई जो बोल रहा है ऑनलाइन पैसा कमाना आसान है या फिर ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है वो भाई दरअसल झूठ बोल रहा है, कुछ ऑनलाइन पैसा होता ही नहीं है। भाई ऐसा है नहीं, ऑनलाइन पैसा होता है, मैं कमा रहा हूँ, आप चाहे तो मेरे बारे में रिसर्च कर सकते हो या फिर मेरे बारे में वीडियोज देख सकते हो, ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन आपको सही तरीके से काम करना होगा। ये नहीं कि मैं फेल हो गया और मैं ये बोलने लगूँ कि मैं पैसा नहीं कमा सकता। मुझे 3 साल लगे, जो मेरा पहला इनकम था ऑनलाइन आने के लिए मुझे 3 साल लगे, तभी आके मैं थोड़ा पैसा कमाया था। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप पैसा नहीं कमा रहे हो, इसका मतलब झूठ है। मैंने अमेरिका नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका नहीं है, ये बात है ना। तो आप जो नहीं कर सकते, मतलब आप जो नहीं किए हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ झूठ है, दूसरे पैसा कमाते हैं। आपको यकीन रखना होगा और ये देखना होगा कि आप कौन से फील्ड में लैक कर रहे हो, क्या मिस कर रहे हो, तो आप ही पैसा कमा सकते हो। और ये रहा 10वां पॉइंट, ये कोई सीरियस इशू तो नहीं है पर फिर भी एक इशू है। लोग सोचते हैं कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है, जब देखो कंप्यूटर में काम कर रहा है। अगर कोई रिश्ते की बात है, आपकी शादी की बात है, और पूछने लगे कि आप करते क्या हो, तो बोलो क्या मैं ऑनलाइन पैसा कमा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हर चीज़ को ये समझ में आता है कि ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, तो आपको लड़की मिलने में भाई थोड़ा दिक्कत होता है, और घर वाले भी ताने मारते हैं, तू ये सब जब कर रहा है किसी को हम बोलने जाए तो क्या बोलेंगे, लड़की देंगे ही नहीं। ये इशू तो भाई आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप नीचे कमेंट करते हो तो इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप ये चीज़ फेस कर रहे हो कि तू करता क्या है, तो उनको कैसे समझाओगे आप, आपके रिश्ते की बात हो या कोई ऐसे ही जनरली पूछे, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है। मैं गांव में रहता हूं जहाँ की लोगों को नहीं पता, 90% लोगों को नहीं पता कि ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है। अगर कोई गांव से मेरा रिश्ता लेके आएगा तो वही सोचेगा कि ये बंदा तो कुछ करता ही नहीं है और ऑनलाइन पैसा कमा रहा है, मतलब ये झूठ बोल रहा है, फ्रॉड है भाई, ऑनलाइन कोई तो स्कैम कर रहा है या फिर ऑनलाइन लोगों को ठग रहा है, आज नहीं तो कल ये जरूर जेल जाएगा। आज भी लोग सोचते हैं भाई, ऐसा सोचते हैं, तो एक बड़ा इशू नहीं है फिर भी एक प्रॉब्लम है। तो अगर आप ऑनलाइन काम करते हो तो दिमाग में ठान लो कि लोगों को क्या बोलोगे। अगर आप कमेंट करते हो तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है कि आप सभी को ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन काम में आएगा, क्योंकि मैं इतने साल से फील्ड में हूँ और जितना सर में लोग सोचते हैं मेरे बारे में या जो कोई मिसकंसेप्शन है लोगों का ऑनलाइन पैसा कमाने को लेकर, तो मैं सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बना लिया जाए। अगर वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट करिए। अगर ऐसे ही आपको कोई चीज़ सीखना है या फिर ऑनलाइन वर्ल्ड के बारे में कुछ जानना है तो आओ भी आप मुझे सर्च कर सकते हो, मैं इसके ऊपर जो वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।